नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश की राजधानी में नशे का कारोबार बड़े धड़ल्ले से दिल्ली में चल रहा है। ऐसे में बात करें हम राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के अलीपुर इलाके में भी नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई एरिया में गांजा की सप्लाई हो रही है तो कहीं शराब की तस्करी। आपको बता दें कि अलीपुर थाना पुलिस लगातार शराब माफियाओं को अपने कब्जे में ले रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बड़े धड़ल्ले से शराब बिक रही है। लगातार पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी न किसी के सह के कारण यह शराब बेच रहे हैं। दिल्ली पुलिस चाहे तो अपने एरिया में कोई एक व्यक्ति भी शराब नहीं बेच सकता, लेकिन इस एरिया के सभी गांव में शराब बिकती है। ये लोग अपने घर के बाहर बैठकर ही लोगों को शराब देते हैं। ना इन्हें किसी चीज का डर है, ना किसी का भय। शराब देते वक्त इन्हें भी नहीं पता कि आप इतने खुले में शराब बेच रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो कोई भी अपने कैमरे में तस्वीर को कैद कर लेगा। अलीपुर का बाहरी क्षेत्र है जहाँ हरियाणा बॉर्डर लगता है और हरियाणा बॉर्डर से ही इन शराब का सप्लाई किया जाता है। हरियाणा से दिल्ली शराब को कोई खेतों के द्वारा लाता है तो कोई अपनी व्हीकल से रोड पर ही लाता है।